हेलो फ्रेंड्स, सिंपल एंड टेस्टी खाने में आप सभी का स्वागत है। आपने उड़द की सूखी दाल तो कई बार खाई होगी, लेकिन आज जो दाल मैं बनाने जा रही हूँ वो शायद ही आपने कभी ट्राई की हो। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मोठ की सूखी दाल। इसके लिए मैंने एक कटोरी मोठ की छिलके वाली दाल ली है, जिसे मैंने रात को अच्छी तरह धोकर भिगो कर रख दिया था, और सुबह इसका ऐसे मसल मसल कर छिलका सारा अलग कर दिया था। आप दाल को मसलते जाइए और पानी के नीचे धोते जाइए, इससे इसका सारा छिलका अलग हो जाएगा। गैस को मैंने ऑन कर दिया है। अब कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। ये मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है, आप चाहे तो कोई दूसरा तेल भी डाल सकते हैं। अब मैंने गैस को एक बार बंद कर दिया है ताकि तेल थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तेल थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे और 1/4 चम्मच हींग, और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह तड़कने देंगे। अब गैस को दोबारा ऑन कर लेंगे। जीरा अच्छी तरह भून चुका है। अब इसमें 1 कटा हुआ प्याज डालेंगे। और इसे 1 मिनट तक अच्छी तरह भूनेंगे। प्याज भून चुके हैं। अब इसमें 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह भूनेंगे। अगर आप प्याज और लहसुन पसंद नहीं करते तो इसके बिना भी आप सब्जी बना सकते हैं। लहसुन और अदरक अच्छी तरह भून चुके हैं। अब इसमें 2 कटी हुई मिर्चें डालेंगे और इसे भी 5-10 सेकंड तक पकाएंगे। अब इसमें सूखे मसाले डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच धनिया पाउडर डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसमें 1 पिसा हुआ टमाटर डालेंगे और मसाले को तेल सोखने तक पकाएंगे। अब इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी डालेंगे, इससे रंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब इसमें मोठ की दाल डालेंगे। और इसे अच्छी तरह मिक्स करके इसमें 1 कटोरी पानी डालकर ढक देंगे। अब इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर बीच बीच में से हिलाते हुए पानी के सूखने तक पकाएंगे। दाल को चेक कर लेते हैं। दाल का पानी लगभग सूख चुका है और दाल भी गल गई है। अब इसमें 1 चम्मच क्रश करके कसूरी मेथी डालेंगे, आप चाहें तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह हिलाकर 1 मिनट ऐसे खुला ही पकाएंगे। अब गैस को बंद कर देंगे और दाल को गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अगर आपको मोठ की सूखी दाल की सब्जी की ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।